आजकल जो ये वीडियो है ये सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपका जो फर्स्ट पेपर है वो है सोशल रिसर्च मेथड्स, यानी सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट ही है, इस पेपर में आप सामाजिक अनुसंधान की पद्धति का अध्ययन करेंगे। आज का जो वीडियो है उसमें हम यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो यूनिट ए में जो पहला टॉपिक है वो है मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ सोशल रिसर्च। तो आज इसी टॉपिक से हम प्रारंभ करेंगे। जानते हैं कि मनुष्य स्वभाव से ही बड़ा जिज्ञासु प्राणी है। आदिकाल से मनुष्य ने प्रकृति में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं उनके बारे में जिज्ञासा प्रकट की है। उसने जानना चाहा है कि जो घटनाएं उसके आसपास घटित हो रही हैं उनके पीछे क्या कारण है, वह क्यों घटित हो रही हैं। कालांतर में उसकी इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने एक बहुत ही व्यवस्थित और प्रणालीबद्ध खोज का रूप धारण कर लिया। तो घटनाओं के इसी व्यवस्थित और प्रणालीबद्ध खोज को हम मोटे तौर पर रिसर्च कह सकते हैं। रिसर्च जो होता है वो एक बहुत ही व्यवस्थित विधि, जिसको हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं, उसके माध्यम से किया जाता है। रिसर्च से तात्पर्य या अनुसंधान से तात्पर्य अनुभव किए जा सकने वाले तथ्य, वास्तविक अनुभव किए जा सकने वाले तथ्यों का एकत्रीकरण, वर्गीकरण और विश्लेषण है, जिसके माध्यम से हम प्रामाणिक और परीक्षणीय निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। प्रामाणिक और परीक्षणीय का मतलब क्या है? मतलब यह कि रिसर्च के माध्यम से हम जिन निष्कर्षों तक पहुंचते हैं उनकी हम जांच कर सकते हैं, उनकी सत्यता को हम प्रमाणित कर सकते हैं, बस सही है या गलत उनकी उपलब्ध तथ्यों के माध्यम से हम जांच कर सकते हैं। तो इसलिए साइंटिफिक रिसर्च यानी वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए हम जिन रिजल्ट्स तक पहुंचते हैं वो विश्वसनीय होते हैं, वो रिलायबल होते हैं, क्योंकि उनकी सत्यता की जांच संभव होती है। जब अनुसंधान प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित होता है तो उसे हम प्राकृतिक अनुसंधान कहते हैं। लेकिन जब यही रिसर्च, जब यही इन्वेस्टिगेशन सामाजिक जीवन के बारे में हो, सामाजिक प्रघटनाओं के संबंध में हो, तो हम उसे सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। तो इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान क्या हुआ? सामाजिक अनुसंधान तथ्यों के एकत्रीकरण, वर्गीकरण और विश्लेषण की एक ऐसी व्यवस्थित व्यवस्था है जिसके माध्यम से हम सामाजिक घटनाओं के बारे में प्रामाणिक निष्कर्षों तक पहुंचते हैं। अब हम सामाजिक अनुसंधान के जो प्रमुख उद्देश्य हैं उन पर एक नजर डालेंगे। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सामाजिक अनुसंधान का जो सबसे पहला उद्देश्य है वह है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स एंड वेरीफाई द ओल्ड वंस। इसका मतलब क्या हुआ कि सामाजिक अनुसंधान का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है नए नए तथ्यों की, नए नए फैक्ट्स की जानकारी प्राप्त करना, नए नए फैक्ट्स को खोजना। लेकिन नए नए तथ्यों को खोजने के साथ साथ यह भी जरूरी होता है कि जो हमारे पास संचित ज्ञान है, जो हमारे स्थापित तथ्य हैं, जो हमारे स्थापित सिद्धांत हैं, जो हमारे पास स्थापित अवधारणाएं या संबोध हैं, उनका भी पुनर्परीक्षण निरंतर करते रहना आवश्यक है। ऐसा करना क्यों आवश्यक है? ऐसा करना इसलिए आवश्यक है
क्योंकि समाज कभी भी स्थिर नहीं रहता है। समाज समय के साथ निरंतर परिवर्तनशील है। तो एक समय बिंदु पर हमने जो सिद्धांत स्थापित कर दिए, जो अवधारणाएं विकसित कर ली या जो सामान्यकरण कर लिए, वो बदली हुई परिस्थितियों में भी क्या सही है, यह जांच करते रहना बहुत जरूरी है। और यदि हमें लगता है कि बदली हुई परिस्थितियों में हमारे स्थापित सिद्धांतों में किसी संशोधन की आवश्यकता है, किसी परिशोधन की, मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, तो वो हम लगातार करते रहें और इस प्रकार हम अपने ज्ञान को निरंतर अद्यतन करते रहें, निरंतर अपडेट करते रहें। तो सोशल रिसर्च का या सामाजिक अनुसंधान का जो सबसे पहला उद्देश्य है वो है नए नए तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना और स्थापित तथ्यों का पुनर्परीक्षण करना। इसके बाद जो सामाजिक अनुसंधान का दूसरा उद्देश्य है वो है टू एस्टैब्लिश कॉजल रिलेशंस बिटवीन वेरिएबल्स एंड टू अराइव एट जनरलाइजेशंस। कोई भी विज्ञान तभी विकास करता है जब उसके पास अपनी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ थियोरी हो, एक सैद्धांतिक संरचना हो। तो इसलिए सामाजिक अनुसंधान का जो दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो ये है कि वह सामाजिक प्रघटनाओं के बारे में तथ्य एकत्रित करता है और उन तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण कर यह जानने का प्रयास करता है कि उस घटना के पीछे क्या कारण है। वह चरों के बीच, वेरिएबल्स के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। चर किसे कहते हैं? चर कोई भी ऐसी विशेषता है, कोई भी ऐसा गुण है जो जिसके कई मान हो सकते हैं। जैसे एज, आयु एक चर है, एक वेरिएबल है। एज के कई मान हो सकते हैं, एज की कई वैल्यूज हो सकती हैं, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। तो कोई भी ऐसा गुण, कोई भी ऐसी विशेषता जिसके कई मान हो सकते हैं, उसको हम वेरिएबल या चर कहते हैं। और इसलिए जब हम सामाजिक अनुसंधान करते हैं तो हम घटना से जुड़े हुए जो अलग अलग चर हैं, विभिन्न चर हैं, उनके बीच में संबंध को देखते हैं और इस तरह से घटना के कारणों की खोज करते हैं। कारणों की खोज के माध्यम से हम सामान्य नियमों की ओर या सामान्य सिद्धांतों की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरह से सामाजिक अनुसंधान का जो दूसरा उद्देश्य है वो है चरों के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करते हुए सामान्य नियमों की ओर बढ़ना या सामान्य सिद्धांतों की ओर बढ़ना। सामाजिक अनुसंधान का जो तीसरा प्रमुख उद्देश्य है वह है टू डेवलप न्यू टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि न सिर्फ हम नए नए तथ्य एकत्रित करते हैं, नए नए सिद्धांत निर्माण करते हैं, बल्कि सामाजिक अनुसंधान के ही माध्यम से हम अध्ययन के लिए बेहतर से और बेहतर टेक्निक्स विकसित करते हैं। अर्थात हम जिन यंत्रों के माध्यम से डेटा कलेक्ट करते हैं, हम उनको और परिशुद्ध करते हैं ताकि हमारा डेटा अधिक प्रिसाइज हो, अधिक निश्चित हो, अधिक विश्वसनीय हो। उसी तरह से जो हम एनालिसिस की टेक्निक्स यूज करते हैं, डेटा का विश्लेषण करने की जो टेक्निक्स हैं, उनको भी बेहतर से और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा जो अनुसंधान है वो और अधिक प्रिसाइज हो, और अधिक निश्चित हो, और अधिक पैना हो, और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी निश्चित हो, वो भी स्पेसिफिक हो, और वो अधिक विश्वसनीय हो, अधिक रिलायबल हो। तो अनुसंधान के माध्यम से हम निरंतर कोशिश करते हैं कि जो हमारे टूल्स हैं रिसर्च के, जो तरीके हैं, जो प्रविधियां हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनको भी हम निरंतर अपडेट करते रहें, उन्हें भी बेहतर से और बेहतर बनाते रहें। और सामाजिक अनुसंधान का जो अंतिम उद्देश्य है वो है टू एड इन द सॉल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन अ पर्टिकुलर रीजन और टू फॉर्मुलेट पॉलिसी मेजर्स फॉर डेवलपमेंट इन अ गिवन रीजन। अभी तक जो हमने उद्देश्य देखे सामाजिक अनुसंधान के, उनका उद्देश्य ज्यादातर ज्ञान के विकास के संदर्भ में था, लेकिन ये जो चौथा उद्देश्य सोशल रिसर्च का है उसका उद्देश्य व्यावहारिक समस्याओं का समाधान है। तो न सिर्फ सोशल रिसर्च ज्ञान के विकास के लिए किया जाता है, बल्कि
हमारी जो व्यावहारिक सामाजिक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए भी सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। तो यदि किसी क्षेत्र विशेष में कोई समस्या देखी जा रही है, मान लीजिए हम ये देखते हैं कि एक क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, या किसी एक क्षेत्र में अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या किसी जगह पर बाल अपराध की घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, या हम पा रहे हैं कि समाज में जो परिवार हैं वो विघटित हो रहे हैं, तो हम उसके संबंध में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं, उनके कारण ढूंढ सकते हैं। और इस प्रकार एक बार जब हमें कारण पता लग जाता है तो हम फिर उसके समाधान की ओर बढ़ सकते हैं। तो रिसर्च किसी समस्या के कारण को ढूंढने के लिए और उस कारण को दूर करने के लिए अर्थात समस्या का समाधान करने के लिए भी किए जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि सरकारों को या नीति निर्माताओं को किसी क्षेत्र विशेष के लिए विकास की कोई नीति बनानी होती है या विकास का कोई कार्यक्रम बनाना होता है, उसके लिए भी उन्हें उस क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक विशेषताओं की जानकारी चाहिए होती है, उस क्षेत्र में जो भी सामाजिक प्रक्रियाएं चल रही हैं उनकी जानकारी प्राप्त करनी होती है ताकि वो एक अच्छी विकास की नीति का निर्माण कर सके। तो कई बार इस उद्देश्य से भी रिसर्च किए जाते हैं ताकि हम उस क्षेत्र को बेहतर समझ सके, उसकी सामाजिक आर्थिक जनसंख्यात्मक विशेषताओं को समझ सके और उसके आधार पर उस क्षेत्र के विकास के लिए योजनाएं या नीतियां निर्मित कर सके। तो इस उद्देश्य से भी सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के पश्चात हम यह जानेंगे कि सामाजिक अनुसंधान कितने प्रकार का होता है। वास्तव में सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों के आधार पर ही हम सामाजिक अनुसंधान को कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान का जो सबसे पहला रूप है वह कहलाता है प्योर रिसर्च, विशुद्ध अनुसंधान। विशुद्ध अनुसंधान से आप क्या समझते हैं? विशुद्ध अनुसंधान का मतलब ये है ऐसा अनुसंधान जो केवल और केवल मात्र ज्ञान के विकास के लिए ही किया जाता है, एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, यानी किसी घटना को केवल समझने के लिए, सामाजिक घटनाओं के बारे में एक अंतर्दृष्टि विकसित करने के लिए, किसी तरह का सिद्धांत निर्माण करने के लिए, किसी तरह का जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण करने के लिए जब हम रिसर्च करते हैं तो उसे हम प्योर रिसर्च या विशुद्ध अनुसंधान कहते हैं। अर्थात उस अनुसंधान के माध्यम से हम समाज के बारे में अपने ज्ञान को विकसित करने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत एक दूसरे प्रकार का रिसर्च है जिसे कहते हैं अप्लाइड रिसर्च यानी व्यावहारिक अनुसंधान। व्यावहारिक अनुसंधान के अंतर्गत हम किसी व्यावहारिक समस्या के समाधान के लिए रिसर्च करते हैं। यहाँ रिसर्च का उद्देश्य ज्ञान का विकास नहीं होता है, यहाँ रिसर्च का उद्देश्य होता है समस्या का समाधान यानी ज्ञान का एप्लीकेशन, ज्ञान का व्यवहार में प्रयोग। तो इस प्रकार के रिसर्चेस जो है वो इसलिए किए जाते हैं ताकि हम किसी सामाजिक समस्या के कारणों की खोज कर सके और उन कारणों को खोज करने के बाद उस समस्या के समाधान के सुझाव प्रस्तुत कर सके, रास्ते सामने ला सके। उसी तरह से कई बार जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि विकास की नीतियों को बनाने के लिए भी कई बार हमें किसी क्षेत्र के बारे में डेटा चाहिए होता है, उसकी विशेषताओं की जानकारी चाहिए होती है, तो अप्लाइड रिसर्च के माध्यम से ही हम किसी क्षेत्र विशेष के बारे में जो भी महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक जनसंख्यात्मक जानकारियां होती हैं वो इकट्ठा करते हैं ताकि वह आधार बन सके उस क्षेत्र में विकास योजनाओं के लिए या विकास नीतियों के निरूपण के लिए। तो यह कहलाता है अप्लाइड रिसर्च। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से रिसर्च का एक तीसरा स्वरूप उभर करके सामने आया है जिसे हम कहते हैं एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तव में अप्लाइड रिसर्च का ही, व्यावहारिक अनुसंधान का ही एक विकसित रूप है या एक अलग रूप है। और यह रिसर्च क्या होता है, जहां अप्लाइड रिसर्च में
जो सोशियोलॉजिस्ट है या अनुसंधान करता है वो किसी समस्या के बारे में तथ्य एकत्रित करता है, उसके कारणों की खोज करता है और समाधान सुझाता है। लेकिन एक्शन रिसर्च के अंतर्गत समाजशास्त्री स्वयं समाज को बदलने की कोशिश करता है, यानी वह किसी समस्या का अध्ययन इसलिए करता है ताकि वह स्वयं उस समस्या के निदान की दिशा में भी काम कर सके। तो यह एक तरह का क्रियात्मक अनुसंधान है जिसमें रिसर्च और एक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। अर्थात समाजशास्त्री स्वयं तथ्यों की खोज करता है ताकि वह समस्या के कारणों की खोज कर सके, और जब उसे समस्या के कारणों का ज्ञान हो जाता है तो वो उसके समाधान के लिए स्वयं प्रयास करता है। क्रियात्मक रिसर्च का एक और उद्देश्य यह भी है कि हम समाजशास्त्री जो हैं, वो यह नीति निर्णय लें कि समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए या समाज के लक्ष्य क्या होने चाहिए, और वह उस दिशा में बढ़ने के लिए स्वयं प्रयास भी करें। अब इस बात को लेकर के समाजशास्त्रियों में आपस में कुछ विवाद है। कुछ समाजशास्त्री ये मानते हैं कि समाज को बदलने का काम समाजशास्त्री का नहीं। समाजशास्त्री एक तटस्थ वैज्ञानिक है जिसका काम केवल अध्ययन करना है। वह अध्ययन करके यह बताए कि कोई घटना क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या कारण है, लेकिन समाज को कैसा होना चाहिए या समाज को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए इस संबंध में कोई नीति निर्णय लेना, कोई वैल्यू जजमेंट देना, ये समाजशास्त्री का काम नहीं, और इसलिए समाजशास्त्री को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। लेकिन दोनों ही तरह के व्यूज इस समय समाजशास्त्र में प्रचलित हैं, और बहुत से ऐसे रिसर्चर्स हैं जो अप्लाइड रिसर्च में शामिल हैं, तो दूसरे कई ऐसे भी हैं जो एक्शन रिसर्च में संलग्न है। पर अभी भी इस बात को लेकर के समाजशास्त्रियों में एकमत्य नहीं है कि हमें केवल अपने आप को अध्ययन तक सीमित रखना चाहिए या एक कदम आगे बढ़कर समाज को बदलने की दिशा में भी अपना योगदान देना चाहिए। तो इस तरह से रिसर्च को हम आज की परिस्थितियों में तीन भागों में विभाजित करेंगे। प्योर रिसर्च, विशुद्ध अनुसंधान जो केवल ज्ञान के विकास के लिए किया जाता है, अप्लाइड रिसर्च जो समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, और एक्शन रिसर्च जो समस्याओं का समाधान समाजशास्त्री स्वयं लाने के लिए करता है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने तीन बातों को समझा। पहला कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, दूसरा सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य क्या हैं, और तीसरा सामाजिक अनुसंधान के प्रकार क्या क्या हैं। थैंक यू।